हाँ तो यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ आपका शाजम और आप देख रहे हैं गुंडे गेमर्स। तो गाइस आज का जो मैच है, ये जो वीकेंड वीक मैच जा रहा है, तो ये आप देख रहे होंगे कि रिंग के किंग का मैच है, अंडरटेकर वीएस डैनियल ब्रायन। तो देखें ये जो मैच होने वाला है इन दोनों के दरमियान, ये आगे जाके जो समर स्लैम में वो होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस रिंग के किंग की तरफ जो वोटिंग है अवाम की वो ज़्यादा है, तो डैनियल जो के अवाम के सुपर हीरो हैं, सुपरस्टार हैं रिंग के, तो उनकी तरफ भी वोटिंग है। तो बढ़ते हैं मैच की तरफ। तो जो है एंट्री हो गई है रिंग के किंग अंडरटेकर की, जिसका जमाना फैन है और इन्हें डेड मैन भी कहा जाता है। तो गाइस डेड मैन जो हैं वो रिंग में इंटर हो चुके हैं। वाओ यार क्या ग्राफिक्स है इसके। तो ये 2K30 की एंट्री है, तब जो है इन्होंने जो है बाल कटवाए हुए हैं अंडरटेकर ने। काफी बड़ी एंट्री है अंडरटेकर की। क्या स्टाइल है अंडरटेकर का, बाल कटवाए हुए हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी सब जो है वो ठीक है अंडरटेकर। क्योंकि 2K30 में जो है WWE के काफी इलाज जो बेहतर हो गए थे, तो 2K30 में ही सारे मैचेस को सिलेक्ट किया गया, समर स्लैम, रॉयल रंबल, विनर्स और कैप्टन हेल इन सेल। तो 2K30 में जो है नए नए रेसलर्स जो हैं एंगेज किए हैं WWE ने। तो तब जो था अंडरटेकर ने टीम मेट थे अंडरटेकर के कैन, तो दोनों ने काफ़ी चैम्पियनशिप्स जीती हैं। तो ब्रदरहुड कैन ने फिर जो है अंडरटेकर से जो है टीम जो तोड़ी, और एक जो है एक और शख्स है उसके साथ जो है उसने साइनिंग कर ली, और बड़े टाइटल पे जो है उसने फाइट करनी चाहिए। तो इसलिए अंडरटेकर के साथ उसका जो मैच हुआ और उसने वो हार गया। तो ये जो मूड है गेम का, ये टैग टीम टेकर और कैन की गेम का मूड है ये। तो गाइस बढ़ते हैं हमारे WWE के मशहूर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन लॉक मास्टर जो हैं डैनियल ब्रायन। 2K30 में इनका काफी बोलबाला था डैनियल का, तो डैनियल जो है वो इंटर हो चुके हैं। आज का जो ये मैच है वो है मंडे नाइट स्मैकडाउन। तो आज
आगे हम आपको समर स्लैम में मिलेंगे। यस तो डैनियल की यस यस जो है ये इनकी जो एंट्री है तो गाइस इसके साथ जो है वो लॉक मास्टर है WWE के, तो इसके साथ उनकी जो एंट्री का जो है सीन खत्म होता है। तो गाइस आज के मैच की मैं जो आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता दूं, क्योंकि ये मैच जो है ना अगर अंडरटेकर जीतते हैं तो उनका जो सामना होगा मार्क हेनरी से, और डैनियल का भी यही है। ओ माय गॉड, ओ किक डैनियल, गुड परफॉर्मेंस। तो ये रोप्स रनिंग और ये पकड़ाओ। तो मैं बता रहा था कि ये जो मैच है ये समर स्लैम में जो है ना डैनियल को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का जो मौका देगा। तो डैनियल फिलहाल जो अंडरटेकर पे अटैक कर रहे हैं और ये पकड़ा और ये अंडरटेकर ने रिसीव कर दिया और डैनियल जो रिंग पे गिरे हैं काफी बुरी तरह, जो है 500 स्पीड और जो के 30 किलो के इस वेट्स को अंडरटेकर ने जो है बहुत ही आसानी से फेंक दिया। और ये एल्बो और ये ड्रॉप किक लेकिन उसने रिसीव कर दी। तो अंडरटेकर का ये लुक काफी अलग है और ये किक फिर किक, लिंक के जो किंग है वो काफी देर से मार खाए जा रहे हैं और ये ड्रॉप और अंडरटेकर जो है वो गिरे हैं रिंग पे और ये पकड़ लिया डैनियल ने और ये रोप्स की तरफ जो अंडरटेकर को धकेलते हुए ये फेंक दिया। ये फिर से तो काफी अच्छा मूव था डैनियल के लिए, लेकिन जो है ना कि हर बार तो नहीं यार, एक ही मूव अगर ये लगाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये हर बार यही मूव लगाता है, लेकिन इस बार डैनियल ने रिसीव किया और जो है किंग को जो है WWE के किंग को कितनी आसानी से उसने यार कैसे एल्बो को मूव किया। तो ये आम शख्स के लिए ये बहुत ही मुश्किल है मूव करना। ये बिग किक तो डैनियल WWE के बहुत ही मशहूर रेसलर हैं और 2K14 में इनका काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स है। तब तक उन्होंने जो है अपनी जो है यूनिफॉर्म को चेंज भी किया और अपने मूव्स को भी चेंज किया है इन्होंने। तो अब जो डैनियल है रिंग के किंग को ये 3 pound 100 वेट को ये फेंक रहे हैं और क्या पावर है डैनियल की। और आज लगता है कि टेकर जो है खतरे में है क्योंकि डैनियल का जो है कंट्रोल मेरे हाथ में है और ये आउट ऑफ रिंग, लेकिन ये मूव रिसीव्ड हुआ और जो है दोनों के जो है बाजू टच हुए आपस में और ये फिर लेकिन फिर रिसीव्ड।
आवाम जो है वो टेकर के वोट्स उठा रही है और ये देखने ये मुझे गलत हुआ, ये फिर ड्रॉप की उनकी एल्बो पे लगी है अंडरटेकर की और ये रनिंग करते हुए जो डैनियल ने ये पकड़ लिया है अंडरटेकर को, तो अंडरटेकर जो है अब काफ़ी खतरे में है क्योंकि डैनियल की सैनिक पावर जो है वो वापस आ गई है और ये रोप्स की तरफ। फिर शिफ्ट और अंडरटेकर ने जो है डैनियल को शिफ्ट मूव लगाया है, डैनियल रिंग के बाहर जा गिरे हैं। लेकिन जो है ये शिफ्ट और अंडरटेकर जो है और ये डैनियल इन द रॉप्स फ्लाइंग मोड। ओ माय गॉड, फ्लाइंग डैनियल और फ्रंट ड्रॉप किक, ये फिर अंडरटेकर जो है वापस कम बैक है। तो ये पकड़ा डैनियल ने और अंडरटेकर को है रोप्स की तरफ धकेल दिया और ये भागते हुए जो है, ओ एल्बो स्टंट, काफी अच्छा मूव था डैनियल का। तो लास्ट वीकेंड जब ली का मैच हुआ था ट्रिपल थ्रेड, तो उसमें जो है शायद ने बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस दी थी, तो उससे ना हेल इन सेल में उसे मौका मिला है। तो ये मैच भी हम लाएंगे अगले फ्राइडे को हेल इन सेल, उससे पहले जो है समर स्लैम आएगा। और ये किक तो जो है हमारे रेसलर को मौका मिलेगा चैम्पियनशिप टाइटल का, इससे जो है उसकी जो है फेमसिंग और जो है अवॉलिटी ज़्यादा बढ़ेगी और शायद जो है उसकी यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी उसे। और ये पावर बूम यार, क्या अंडरटेकर को कब से डैनियल जो धोए जा रहा है, लगता है कि आज जो है टेकर का लक जो है वो ख़राब है। तो ये कमबैक रिंकिंग, डैनियल ख़तरे में लेकिन ये भागते हुए लेकिन फिर रुक गए, ये क्या बात हुई, कहा था ना कि ख़तरे में वो अब कमबैक आए हैं। आवाम जो है क्राउन्स शोर कर रही है, तो और ये ड्रॉप किक, ये फिर एल्बो पे और जो है बाया जो है लेकिन ये कम बैक यार, टेकर को इस गेम में हराना जो बहुत टफ लग रहा है। और ये रिसीव्ड, काफी बार इसने ऐसे गिराया है डैनियल को, तो और ये सीट डैनियल पावर कम बैक है और अंडरटेकर के हाथ में। ओ ये पंच टाइम यार, काफी जो है अंडरटेकर के लिए काफी जो है दर्दनाक रहा है ये मूव, क्योंकि डैनियल ने तीन बार जो है ड्रॉप किक लगाई है सी जो बाजू पे। और ये
आज तो डेड मैन जो है वो खतरे में है, क्योंकि वर्ल्ड हैवी वेट का ये जो ताज है वो डैनियल के सिर ही सजेगा। की तरफ तो यार डैनियल की जो पावर है वो बैक है, और ये बिग किक ओ डैनियल को जो है ज्यादा जल्दी है ऐसे हराने की, और ये भागते हुए ओ यार इधर इधर ओ तो ये ऑप्स की तरफ। तो अब टाइम है ऑफ किक्स का, टेन किक्स, यस 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 ओ यस बारी है फिनिशिंग मूव की। तो गाइस अब बारी है फ्लाइंग मूव की डैनियल की, और ये सी पंच ऑफ टेक टेकर को काफी दर्द महसूस हुई, और ड्रॉप किक, लेकिन ये रिसीव नो गुड लक ऑफ डैनियल। ओ शिट यार काफी पावर जो है इंक्रीज हुई है डैनियल की। तो अंडरटेकर को है जो मौका मिला है डैनियल को पीटने का, और ये रिंग से बाहर। माय गॉड क्या स्टाइल है टेकर। तो डैनियल वापस आए हैं, और टेकर की भी नज़र जो है डैनियल पे है, क्योंकि काफ़ी देर से ये मार खाए जा रहे हैं। ओ यार कितना गुस्सा है टेकर को यार डैनियल पे, देखो तो सही। और ये डैनियल भी दूसरी साइड से आ रहे हैं ये भागते हुए टेकर की तरह, और ये ड्रॉप किक डैनियल गुड साइड, टेकर इज डेंजर। दूसरी तरफ रेफरी जो है वो काउंट पे काउंट कर रहा है यार। तो डैनियल की जो है ये पावर भी बैक है, अंडरटेकर जो है दूसरी तरफ आ गए, और ये ओ डीडीटी ऑफ टेकर। तो टेकर को जो है खतरा महसूस है, और अंडरटेकर को काफी चोट लगी है सिर पे यार। और ये डैनियल हम तो यार में हो जाए, क्योंकि हमने जो है ना डीडीटी उसको लगा दी है, तो अब रेफरी काउंट करेगा। और ये यस तो डैनियल जो है हमारा यस कर रहा है। आवाम जो है काफी शोर, उधर देखो यार आवाम कैसे हाथ बाहर निकाल निकाल के जो है साइन कर रही है अंडरटेकर को जो है कम बैक करवा रही है। और ये दूसरा काउंट रेफरी का, जज भी हैरान है कि यार इतना
से बंदे ने इतने बड़े पहाड़ को गिराया है। रेफरी फिर काउंट करने जा रहा है और ये थ्री। आवाम जो है अंडरटेकर को जो है जोश दिला रही है तो वो उठे, लेकिन जो यार मुंह बहुत ही से दर्दनाक लगा है। उसने सोचा का उसने जो है ये टेबल हमारे लिए खाली किया था, लेकिन हमने जो है उसको उसी के कुएं में गिरा दिया। मिसाल के तौर पे जो कहते नहीं कि जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है, तो कुछ ऐसा ही हमारे टेकर किंग के साथ हुआ है। क्योंकि तो यार ये 2K30 का होगा भी ना, लेकिन जो डैनियल है ना उसकी हर वर्जन में ही है ना बहुत ही ज़्यादा फेमसिंग और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो है पावर होती है और स्पीड होती है इसकी। ये डैनियल चला, लगता है यार वो नहीं उठेगा, क्योंकि काउंट के साथ जीतने में हमें मज़ा नहीं आएगा ना। तो अब हाँ टेकर को उठाएंगे। उठ कमीने, उठ बहन, उठिया। वैसे तो यार तू बहुत कम बैक आता है, लेकिन अब क्या तो है। तो डैनियल इसे उठाते हैं और ये पकड़ के जजेस क्या कर रहे हैं, जजेस कह रहे हैं कि यार ये बंदा क्या कर रहा है। और ये रिंग की तरफ धकेलते हुए और आवाम देखें कैसे यार खड़ी हो गई है। उधर देखें तो यार उठ, डैनियल ने पकड़ा और किक ऑन दी टॉम। अंडरटेकर इज डाउन। अंडरटेकर जो है यार खतरे में, कितनी देर से जो है पिटाई इसकी हो रही है। वैसे तो यार ये बहुत उठता है। ओ क्या यार इतनी मार बंदा उठ गया। तो बारी, तो गाइस अब बारी है साइनिंग की और जो है ओ किक्स की। और ये वन, टू, थ्री। डाउन यार, द टेकर इज डाउन। टेकर इज डाउन। डाउन तो यार आप क्या सिर को है। हाँ तो गाइस अब बारी है। ओ माय गॉड यार, इस बंदे ने जो है ना आग बगोला कर दिया है ना, पीटा ऐसे और फिर खा। ओ ब्रेकिंग डाउन, टाइम लॉक, यस लॉक इज डाउन, यस लॉक इज रेडी। डैनियल कैच द टेकर, ब्रेक इट पॉइंट। रेफरी भागा जा रहा है कि यार ओ अंडरटेकर भागे बढ़ रहा है। ब्रेकिंग पावर, ब्रेकिंग पावर। तो हमारे पास जो है डैनियल की पावर ज्यादा है, क्योंकि इसने आज के एपिसोड में काफी कम मार खाई है और अंडरटेकर को तो यार कुत्ते की तरह पीटा है इसने। और यस लॉक, ओह माय गॉड। तो कुछ ही मिनटों में हम जीतेंगे और रेफरी की ये घंटी बजा दी रेफरी ने, और तीन थ्री साइन, और अब हम जीत गए हैं। डैनियल जो है रिंग के किंग और डेड मैन को हरा चुका है और ये बंदा
देखिए क्या स्टाइल है बंदे का, मैंने जीता है इसे। तो अपने सीने पे ये जो है थापियां दे रहा है कि यार मैंने हराया है क्विंग के किंग को। तो भाई मेरा भी शुक्रिया अदा कर, क्योंकि मैंने भी यार तुझे गाइड किया, मूव्स तो मैंने ही तुझसे लगवाए, नहीं तो यार अगर तू कंप्यूटर के कंट्रोल में होता और टेकर जो है मेरे कंट्रोल में होता ना, तो तूने भी बहुत ही पिटना था। तो ये टेकर का स्टाइल कर रहा है कि किल देम हिज एनिमीज, और ये यस। और तो गाइस आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा, तो नेक्स्ट एपिसोड है शेमस और ऑलब्राइट का। अगर आपको